माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विगत 7 वर्षों में देश ने सर्वांगीण विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। वह चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड देश के अंदर पहली बार जारी करने का रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजनाएं, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को MSP के माध्यम से देने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के एक सामान्य रोजमर्रा से जुड़ी हुई जरूरतों को पूरा करने में दिए जाने वाले योगदान का। सचमुच अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, और विषम परिस्थितियों में भी कृषि और किसानों का कल्याण ये उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। कोरोना महामारी ये पूरी मानवता के लिए घातक रही है। स्वस्थ जीवन व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समुचित पोषण एवं सुरक्षित भोजन वर्तमान परिवेश की सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान कोरोना संक्रमण के समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे अन्नदाता किसानों द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल फल दूध आदि की प्रचुर उपलब्धता आम जन को सुनिश्चित कराई गई है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5-5 वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है।